पिछले जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस पर पथराव किया था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए शुक्रवार के जुमे की नमाज में संवेदनशील इलाकों में बड़ी मात्रा में फोर्स तैनात की गई, साथ ही पैरामिलिट्री भी मुस्तैद रही। इस दौरान सभी आला अधिकारी पूरे शहर में भ्रमणशील रहे और लोगों से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। इस संबंध में SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि गोरखपुर जनपद में आज सुरक्षा के भरपूर प्रबंध थे। पैरामिलिट्री फोर्स ड्रोन और सादी वर्दी में भी फोर्स तैनात किए गए थे और पूरी तरीके से सकुशल नमाज सम्पन्न हो गई। इसके लिए मैं फोर्स को भी बधाई दूंगा और साथ ही साथ लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा, जो कि गोरखपुर एक अमन पसंद जगह है और लोगों ने इस पर पूरा ध्यान दिया है। मेरा यह मानना है कि कुछ उपद्रवी तत्व इसमें जो लगातार शांति भंग की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब गोरखपुर पुलिस और गोरखपुर के वासी देते रहेंगे और जो भी इसमें उपद्रव करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ पूरी सख्ती की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, गोरखपुर जनपद में आज सुरक्षा के भरपूर प्रबंध थे। पैरामिलिट्री फोर्स ड्रोन सादी वर्दी में सभी तरह की फोर्सेस लगी थी और पूरी तरह से सकुशल नमाज संपन्न हुई है। इसके लिए मैं फोर्स को भी बधाई दूंगा, साथ ही साथ लोगों से भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जो गोरखपुर एक अमन पसंद शांतिपूर्ण लोगों के जगह है और लोगों ने इस पर पूरा ध्यान दिया है। और मेरा ये मानना है कि कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो लगातार शांति भंग की कोशिश करते रहते हैं और उसका जवाब गोरखपुर पुलिस और गोरखपुर के वासी देते रहेंगे, आगे भी देते रहेंगे, और जो भी इसमें उपद्रव करने की कोशिश करेगा उसके साथ पूरी सख्ती की जाएगी।